फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का रविदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन फ्यू पार्ट सो स्टे कंटिन्यूड विद द सीरीज़ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रजेंट इन अमूमन बींग एट द टाइम ऑफ बर्थ तो देखिए फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि बर्थ के टाइम पर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में अराउंड कितनी बोन्स होती हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी अराउंड 270 बोन्स तो देखिए फ्रेंड्स नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ऐट द टाइम ऑफ बर्थ उनमें अराउंड थ्री बोन्स होती हैं बट फ्रेंड्स द एग्जैक्ट नंबर इज टू हंड्रेड सेवनटी यू हैव टू रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट अ बेबीज बॉडी हैज़ अबाउट थ्री हंड्रेड बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर भी लिखा है अबाउट बट द एग्जैक्ट नंबर इज टू हंड्रेड सेवेंटी ये आपने याद रखना है ऐसा रिसर्च कहती हैं देखिए दीज इवेंचुअली फ्यूज together टू फॉर्म टू हंड्रेड सिक्स the दैट द अडल्टेव तो देखिए फ्रेंड्स ये टू हंड्रेड सेवेंटी और थ्री हंड्रेड के आसपास की बोन्स धीरे धीरे फ्यूज करती हैं यानी कि एक साथ मिलती हैं और फाइनली टू हंड्रेड सिक्स बोन बना देती हैं जो नॉर्मली एक ह्यूमन बींग की होती है इट इज़ कम्पोज ऑफ टू हंड्रेड सेवेंटी बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ बट लेटर डिक्रीज टू एट्टी बोन्स टू द एग्जाइल्स केलेटन एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बोन्स द

ऑप्शन नंबर बी 206 सेक्स तो देखिए जो एक ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें 206 सेक्स बोन्स होती हैं ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर आर बॉडीज तो देखिए जो मेनली हमारी बॉडी का पोस्चर एंड द स्ट्रक्चर इज मेनली मेनटेन बाय दीज बोन्स ओनली द

देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फीमर देखिए जो फीमर बोन होती है ये ऑलमोस्ट हमारे थाई के आसपास प्रेजेंट होती है तो ये बोन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी

दैट इज द फीमर अब बारी आती है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की तो राइट right आंसर हो जाएगा स्टेपीज़ तो देखिए स्टेपीज़ जो बोन्स होती हैं ये स्मॉलेस्ट बोन होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की एंड ये बोन हमारे एयर में प्रजेंट होती है तो ये भी आपने याद रखना है देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड लेस स्टैपीज लोकेटेड इन द मिडल ईयर देखिए द साइज ऑफ द स्टैपीज जो स्टैपीज का मेनली साइज है फ्रेंड्स ये होता है अराउंड देखिए इसकी जो डायमेंशनस है लेंथ की डायमेंशन है थ्री मिली एंड द ब्रेथ इज अराउंड टू पॉइंट फाइव मिली There आर थ्री बोन्स इन द मिडिल ईयर एंड दीज बोन्स आर मेलस stapes एंड incus. तो so फ्रेंड्स ऐसे भी कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि जो ये बोन्स है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है मेनली ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं एंड हमारे ईयर के भी थ्री पार्ट्स होते हैं तो एयर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वहाँ पर प्रजेंट होती है ये स्टैपीज ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी टूस इनमल तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे टूथ का इनैमल होता है इट इज़ दार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये आपने याद रखना है तो यहाँ पर भी दिया है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज इनैमल ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है तो इन द राइट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर डी स्किन तो देखिए फ्रेंड्स स्किन जो बॉडी पार्ट है हमारा इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माई ह्यूमन बॉडी यू हैव टू रिमेंबर दिस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट क्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी लेवर तो जो लेवर होता है फ्रेंड्स वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में के लिए फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में ये रिपीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स लार्जेस्ट ग्लैंड हमने देख लिया है दैट इज लेवर एंड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आर ह्यूमन बॉडी इज pituitary gland to pituitary gland it is the smallest gland of our human body next question विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल ह्यूमन बॉडी रिलीज इज द हारमोन एस्ट्रोजन तो देखिए फ्रेंड्स जो एस्ट्रोजन है इट इज़ द काइंड ऑफ फीमेल हार्मोन विच इज़ मेनली रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड देखिए ये कौन सा पार्ट रिलीज करता है ऑफ फीमेल बॉडी द आंसर विल बी ओवरेज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को ये आपने याद रखना है एंड फ्रेंड्स जो मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेनली हारमोन सीक्रेट होता है वो होता है टेस्टी एस्टेरॉन एंड इट इज़ मेनली रिलीज बाई टेस्टीज ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो देखिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का इट इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ये आपने याद रखना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरीज बाय पर्सन एज एक्टिविटी एंड टाइम ऑफ द डे द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सेप्टेड एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपने याद रखना है फ़ारेनहाइट में कभी पूछा जाए तो एंड थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो ये आपने याद रखना है इट इज़ अराउंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हार्ट अबाउट सेवेंटी टू टाइम पम्प करता है इन अ सिंगल मिनट सो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्लड ग्रुप ओ तो देखिए फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इट इज मेनली नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंड दीज आर ए बी ए बी एंड ओ आर ब्लड ग्रुप इज मेनली डिटरमाइंड बाय द जीन्स विच वी इनहेरिट फ्रॉम आर पेरेंट्स देखिए टाइप ओ नेटिव ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजेंस देर इट इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर टाइप Because it is compatible with any type of blood group. Next question Which type of blood group is known as universal blood recipient? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेसिपियंट पूछा है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी तो देखिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है जिसका ही और शी कैन एंड मिली इट इज़ ओ नेगेटिव ही और शी कैन गिव हिज और हर ब्लड ग्रुप टू एनी वन सो देअ फोर इट इज़ कॉल्ड इज यूनिवर्सल डोनर एंड इट इज आस्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्लड रेसिपियंट और एक्सेप्टर दैन द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ए बी तो जो बी ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव ब्लड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपियंट टाइप बिकॉज अ परसन हु हैज इट कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पी एच यहां पे होगा फ्रेंड्स व्हाट इज द पी एच वैल्यू ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सेवन पॉइंट फोर तो देखिए जो ब्लड का पी एच वैल्यू होती है पी एच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन तो जो इसकी पी एच वैल्यू होती है ये होती है सेवन पॉइंट फोर ये आपने याद रखना है तो देखिए जो पीएच स्केल होती है इट तो रेंजेस फ्रॉम जीरो दैट इज़ वेरी एसिडिक तो देखिए फ्रेंड्स जीरो से लेकर जो सेवन तक के जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं देखिए सेवन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एंड अप टू सिक्स पॉइंट नाइन तक के जितने भी सब्सटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सब्सटेंसेज वेरियस दब्सटेंसेज विच आर बियॉन्ड सेवन एंड अप टू फोर्टीन दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज बेसिक सब्सटेंसेज ऐसा हमारी पीएच स्केल हमें बता है. तो देखिए पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम जीरो आपने याद रखना है तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड हो, होता है दैट इज स्लाइटली बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज तो देखिए वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज होता है अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम वाइट ब्लड कार्पियो सेल्स के नाम से भी जानते हैं एंड फ्रेंड्स इनके कंपेरिजन में जो हमारे डब्ल्यू बी सी होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत कम होता है अराउंड थर्टीन टू ट्वेंटी डेज ऐसा माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल ह्यूमन ब्रैड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी डेज इन द सर्कुलेशन आफ्टर विच दे आर इनगल्फ बाई Macro नेक्स्ट क्वेश्चन द हारमोन टेस्टी एस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाई देखिए फ्रेंड्स जो टेस्टी एस्टेरॉन हारमोन होता है इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ अ मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड जो ये हॉर्मोन होता है इसे सीक्रेट करते हैं करते हैं टेस्टीज सो देर आर टू पेयर ऑफ टेस्टीज प्रजेंट इन अमूमन मेल ये आपने याद रखना है एंड जो ये टेस्टीज होती हैं दीज आर प्रजेंट इन ओस्क्रॉटम यह आपने याद रखना है तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए बिकॉज दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द विच इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स तो देखिए जो मोनोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आपने याद रखना है

Us, हाँ तो यह आपने याद रखना है एंड दे सिंपली वॉट दे डू दे जस्ट ईट अप द फॉरन पार्टिकल्स मीन्स दैट दे जस्ट किल्ड द दे जस्ट किल्ड द फॉरन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच जस्ट एंटर्स एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय आर बॉडी तो यह आपने याद रखना है कि इनका मेन फंक्शन होता है डिफेंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स Right हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एक्स सेल तो देखिए फ्रेंड्स जो फीमेल्स की बॉडी में एक्स सेल पाया जाता है वो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल ये आपने याद रखना है द एक्स सेल और द ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी इट हैज़ द डायमीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन मिली तो ये भी आपने याद रखना है एंड जो ये ओवम होते हैं दीज आर रिलीज बाय द ऑर्गन कॉल्ड एज ओवरीज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होता है नर्व सेल एंड देखिए जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है एक्स सेल नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 639 तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मसल्स आर स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी ग्लूटेनस मैक्सिमस तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट मसल होती है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में तो वो होती है ग्लूटेनस ग्लूटेनस ग्लूटियस मैक्सिमस तो ये या आपने याद रखा द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज ग्लूटियस मैग्जीमस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स हमने स्मॉलेस्ट मसल देखी वो थी जो हमारी स्मॉलेस्ट मसल है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टेपेडियस मसल तो स्टैपेडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल वेरियस ग्लूटियस मैग्जीमस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टैपेडियस मसल इज टर्म टू बी द स्मॉलेस्ट कैलिटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इट्स जॉब इज टू सपोर्ट द स्मॉलेस्ट पोर्न ऑफ इन द बॉडी एंड फ्रेंड्स हमने स्मॉलेस्ट पोर्ट डिस्कस कर चुके हैं दैट इज स्टैपीज विच इज अ पार्ट ऑफ द मिडल ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी तो देखिए हमसे पूछा है मोस्ट कॉमन एलिमेंट दट इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन तो जो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इट इज़ द मोस्ट फाउंड एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ यू माइट थिंक दैट इट इज़ हाइड्रोजन नो फ्रेंड्स इट इज एक्चुअली ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन पहले फ्रेंड्स कॉन्ट्रोवर्सी थी इस क्वेश्चन के लिए कि जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी बट द रिसर्च शो दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट कॉमन एंड अबंड मेटल दैट इज़ फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी the human body is made up of 4 important elements and these are hydrogen oxygen carbon and nitrogen oxygen is the most abundant element found in the human body and consists of 65% of the total weight next question name the pigment in the human body which gives dark color to the skin So, correct answer for this question ke liye. ऑप्शन नंबर ए मेलानिन तो देखिए जो मेलानिन होता है फ्रेंड्स ये एक ऐसा पिगमेंट होता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है मोर देन फाइव टाइम्स फ्रेंड्स आई थिंक एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको देख लीजिए जो मेलानिन पिगमेंट हो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर ऑफ द स्किन तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट अ रिविजन फर्स्ट क्वेश्चन What is the total number of bones present in the human being at the time of birth? Right answer will be 270 bones. Next question What is the total number of bones present in an adult human being? Right answer will be 206. Next question Which is the longest bone of the human body? Right answer will be femur. Next question Which is the smallest bone of the human body? Right answer will be stapes. Next question Which is the hardest material of the human body? Right answer will be tooth enamel. Next question Which is the largest organ of the human body? The right answer will be skin. Next question Which is the largest gland of the human body? Right answer will be liver. Next question Which is the smallest gland of the human body? The correct answer will be. पेट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी तो देखिए फ्रेंड्स इट इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल दो इसकी जगह हमारा जो क्वेश्चन था वो था विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीज द फीमेल द फीमेल हॉर्मोन दैट इज एस्ट्रोजन तो राइट आंसर था ओवर बट आई हैव इंक्लूडेड दिस एज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन एंड ये देखिए इसका करेक्ट आंसर है 120 हंड्रेड ट्वेंटी बाई एटी एम एम ऑफ एच जी एच जी हेयर स्टैंड फॉर मर्क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी राइट आंसर विल बी थर्टी सेवन डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सल ब्लर राइट आंसर विल बी ओ एंड मेनली नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड रेसिपियंट राइट आंसर विल बी ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द पी एच वैल्यू ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेवन पॉइंट फोर Next question, what is the approximate lifespan of red blood cells? Right answer is 120 days. Next question, what is the approximate lifespan of blood? White blood cells? The answer will be 3 to 4 days. But, friends, here I have also interchanged the question that which organ of the human body, of the male human body, releases the hormone testosterone? And the right answer was testes. Friends, these were the two important questions which I have interchanged in the revision part for your benefit. Next question Which are the largest white blood cells? Right answer will be monocytes. Next question.

Next question how many muscles are present in the human body right answer will be 639 muscles next question which is the largest muscle of the human body right answer is gluteus maximus next question which is the smallest muscle of the human body right answer is stapedius muscle next question which is the most common element found in the human body Right answer will be oxygen. Next question Name the pigment in the human body which gives dark color to the skin. Right answer will be melanin. So, friends, with this we have completed this video. I hope you like this video. And uh, thank you so much for watching this video. And best of luck for your exams.